अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो आप तो, आपका टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस नंबर तो हम आज एवोगैड्रोस नंबर को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन वन ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट वन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड एंड वन ग्राम आयन ऑफ अ सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ एटम्स कोई भी जितने नंबर ऑफ एटम्स किसी भी वन ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट में प्रेजेंट हो इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड में प्रेजेंट हो और इसी तरह नंबर ऑफ आइन्स या टोटल नंबर ऑफ आइंस वन ग्राम आइन ऑफ अ साबसेंस में प्रेजेंट होते हैं जितने भी तो हम उसको कहते हैं गैडरोज नंबर तो अब हम इसकी स्टडी करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं तो एन हे एन ए सिंबल है एन रिप्रेजेंट करता है नंबर को और ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है एवेगैड्रोज को तो एवेगैड्रोज नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एन ए तो हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन भी देख ली अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं टूअर्ड्स एवेगैड्रोज नंबर वैल्यू यानी कि जो एवेगैड्रोज नंबर है वो कौन सी वैल्यू को हम कहते हैं तो ये वैल्यू है सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन विज टू पार्ट ट्वेंटी थ्री यानी कि ये वैल्यू जो है ये रिप्रेजेंट करती है एवेगैड्रोज नंबर को ठीक है स्टूडेंट्स तो ये हमने देख लिया एवेगाइड्रोज uh, नंबर को भी इसको डिफ़ाइन भी कर लिया रिप्रेजेंटेशन भी हमने इसकी देख ली इसके बाद एवेगाड्रोज नंबर की जो वैल्यू है वो भी हमने देख ली अब हम आते हैं एग्जांपल्स की तरफ तो आपके पास अगर जैसे लेट सपोज मैंने एग्जांपल ली है वन पॉइंट डबल ज़ीरोट ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स अगर हाइड्रोजन आइटम्स हैं वो उसको इतने ग्राम्स में आपको बताया जा रहा है ठीक है वन पॉइंट डबल जीरो ऐट ग्राम हाइड्रोजन एटम्स जो कि किसके इक्वलेंट होते हैं हमेशा वन मोल ऑफ़ हाइड्रोजन के इक्वलेंट होंगे और जब भी कोई भी वन मोल आपको गिवन uh, चीज़ हो वन मोल ऑफ हाइड्रोजन है या वन मोल ऑफ सोडियम है या वन मोल ऑफ एनी तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो है एवेगैडोज नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल होंगे जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि वन पॉइंट डबल जीरो ऐट ग्राम हाइड्रोजन एटम्स हैं तो वो वन मोल ऑफ़ हाइड्रोजन के इक्वलेंट हैं और उसके अंदर सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटो टेन स्टॉर ट्वेंटी थ्री आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि एवेगैर रूज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जिसमें एटम्स जो हैं वो आ, कितने हैं इसके अंदर सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन एसपॉर ट्वेंटी थ्री आटम्स ऑफ हाइड्रोजन इसी तरह स्टूडेंट्स हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्वेंटी थ्री ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम्स हैं जो कि इक्वलेंट है वन मोल ऑफ सोडियम के तो हमेशा आप ये भी देखें कि ग्राम्स जितने भी ग्राम्स हैं ग्राम्स का फ़र्क नहीं पड़ रहा सिर्फ जो चीज़ फ़र्क पड़ रही है वो ये है कि जितने भी ग्राम्स हो वो इक्विवेलेंट होंगे वन मोल ऑफ दैट एटम के ठीक है जो भी एलिमेंट uh, के जो भी आप ले रहे हैं यहाँ पर तो ट्वेंटी थ्री ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम्स हैं तो इक्वल हैं वन मोल ऑफ सोडियम के और उसके अंदर भी कितने वन uh, मोल है तो मतलब मैंने आपको बताया क्या, uh, कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टिस्ट पार्ट ट्वेंटी थ्री एटम्स ऑफ अब यहाँ पर सोडियम था तो सोडियम के एटम्स होंगे इसी तरह टू थर्टी एट ग्राम्स ऑफ यूरेनियम है ठीक है तो वो भी किस इक्विवेलेंट होगा वन मोल ऑफ यूरेनियम के और दैट इज़ इक्विवेलेंट टू उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन स्टॉट ट्वेंटी थ्री आइटम्स ऑफ यूरेनियम तो इस तरह से आपने देख लिया कि कोई भी आ, जो है आपके पास एटम्स गिवन हो नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन हो उसके अंदर जो है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं जिसकी वैल्यू क्या है सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन स्कॉट ट्वेंटी थ्री एटम्स uh, तो अगर ये अभी बात हो रही है एलिमेंट्स की सिंपल हम एलिमेंट्स पे uh, अभी जो है वगैरह रोज नंबर जो है देख रहे हैं कि तो अगर सिंपल एलिमेंट्स हों तो तब क्या होगा इसी तरह हम मॉलिक्यूल्स पे भी देखेंगे और uh, जो है आपके आइंस पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट्स आपने इससे क्या uh, जो है रिज़ल्ट डिड्यूस uh, uh, किया कि uh, जैसे वन ग्राम वन पॉइंट डबल ज़ीरो एट ग्राम्स यानी कि मैथ का फ़र्क नहीं पड़ा यानी कि मैथ कुछ भी हो प्रेजेंट ठीक है कोई भी एलिमेंट हो उसका मैथ गिवन हो कोई भी मैथ हो तो वो इक्विवेलेंट है वन वोल ऑफ डेट एलिमेंट के और फिर उसके बाद उसके अंदर जो वन मोल की बात जब आ जाएगी तो वन मोल से फ़ोरन से आपने माइंड uh, में बिठा लेना है कि उसके अंदर जो है नंबर ऑफ एटम्स यानी कि एवगैर नंबर जो है वो इतनी अमाउंट में यानी कि प्रेजेंट है तो वो क्या है सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू ट्वेंटी थ्री एटम्स तो ये भी हाइड्रोजन एटम्स की बात हो रही थी मींस एलिमेंट की सिंपल बात हो रही थी तो हमने कह दिया कि एटम्स ऑफ हाइड्रोजन तो अब हम देखते हैं इसको मॉलिक्यूल्स पे भी अप्लाई करते हैं और इसी तरह हम जो है इसको जो है आइन्स पे भी अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे थेगैड्रोज नंबर को जो कि अभी हमने एलिमेंट पे डिस्कस किया था कि किसी भी एलिमेंट में जो है कितने नंबर ऑफ़ एवगैड्रोज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो अब जो है हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स पे अब जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूल आपको गिवन है कि वाटर मॉलिक्यूल इसी तरह ग्लूकोस जो है वो उसका मॉलिक्यूल आपको दिया जाए तो एटीन ग्राम जो है तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे इसको तो एग्जांपल्स जो है एटीन ग्राम्स ऑफ वाटर आपके को गिवन हो ठीक है ये मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल इसी तरह जो है ग्लूकोस का मॉलिक्यूल आपको गिवन हो 180 एटी ग्राम्स उसके भी हैं तो अब यहाँ पर देखें ग्राम्स डिफरेंट हैं लेकिन वो इक्वलेंट उसके अंदर जो जो भी ग्राम्स आपको गिवन हो उसके अंदर जो है वन मोल ऑफ वो इक्वलेंट है वन मोल के तो इसी तरह एटीन ग्राम्स ऑफ वाटर है तो दैट इज़ इक्वलेंट टू वन मोल ऑफ वाटर और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ गेड्रो नंबर पार्टिकल्स हैं मैंने आपको बताया था दैट इज़ सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटी टन एज पार्ट ट्वेंटी थ्री अब ये मॉलिक्यूल हो मालिक्यूल की बात हो रही है ना तो यहाँ पर आपने क्या किया लिख दिया मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसी तरह जब आपने थर्ड uh, एग्जांपल ले लिया दैट इज़ सेकंड एग्जांपल मॉलिक्यूल के एस्पेक्ट से तो 180 एटी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोस है तो वो भी इक्वलेंट होगा वन मोल ऑफ ग्लूकोज के तो उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ जो है एवगेर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे दैट इज़ सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन स्टॉट ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज अब डिफरेंस यहाँ पर क्या आया है कि जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अब मॉलिक्यूल था मॉलिक्यूल प्रेजेंट है पहले जो है यहाँ पर एलिमेंट um, प्रेजेंट था तो वो बाकी सारी जो चीज़ें हैं वन मोल की जब बात हुई तो मैंने आपको कहा था कि वन मोल देखेंगे तो आपने फ़ौन से क्या कहना है कि उसके अंदर इतने जो है नंबर ऑफ पार्टिकल जो है, वो है. is, हैं वो मौजूद हैं दैट इज़ सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन एस्ट फॉट ट्वेंटी थ्री अब हते हैं थर्ड एग्जाम्पल्स की तरफ जो कि आयंस की रिस्पेक्ट से हम स्टडी करेंगे तो आयनस में अब जैसे मैं कहती हूँ कि नाइन्टी सिक्स ग्राम्स ऑफ सल्फेट आयंस जो हैं वो अगर आपके पास हों तो उसके अंदर कितने मोल्स जो हैं वो प्रेजेंट और कितने एवगैरोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो आप कहेंगे कि वो इक्विवेलेंट है वन मोल ऑफ सल्फेट आइंस के और उसके अंदर एवेगैरोज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपको वैल्यू पहले ही से पता है दैट इज़ सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टन एस्टा ट्वेंटी थ्री आइंस ऑफ सल्फेट उसके अंदर मौजूद हैं इसी तरह सिक्सटी टू ग्राम्स ऑफ नाइट्रेट आपको जो है प्रेजेंट अगर हैं तो उसके अंदर वन मोल ऑफ नाइट्रेट आइंस हैं नाइट्रेट हैं आइंस uh, हैं ये सारे क्योंकि आइन चार्जेस इसके ऊपर अवेलेबल हैं और इसके अंदर जो है इतने नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं आइंस सॉरी क्योंकि अभी आइंस की बात हो रही है तो सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू ट्वेंटी थ्री आयस जो हैं नाइट्रेट के इसके अंदर अवेलेबल हैं तो स्टूडेंट्स फाइनली जो आप लोगों ने कंक्लूड किया वो ये है कंक्लूजन क्या निकाला कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज़ सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेंड स्टार ट्वेंटी थ्री इज़ इक्स टू वन मोल ऑफ अ साफसन तो आप लोगों ने क्या रिजल्ट डिड्यूस किया फ़ाइनली कि जो ये पार्टिकल्स है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पॉइंट जीरो टू इंटू ट्रट ट्वेंटी थ्री ये जो है इक्वलेंट है किसके वन मोल के वन मोल ऑफ अ साबसन तो आपने नोट किया मैं जैसे पहले भी बताती रही कि जूँ ही आप देखेंगे कि सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू ट्वेंटी थ्री गिवन है तो वो इक्वलेंट है वन मोल के या आपको वन uh, मोल जब भी आप देखेंगे कि वन मोल कोई भी चीज़ है तो आपने फ़ौरन से कहना है कि उसके अंदर सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन एसपा ट्वेंटी थ्री जो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट है अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकते हैं आइन्स भी हो सकते हैं एंड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं तो स्टूडेंट्स होप्सो कि आपको जो है एवगैड्रोज नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है अगर इससे रिलेटेड स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स